Hey guys, what's up? So guys, welcome back to Tech Tube Auto and welcome back to the video. So as आज की वीडियो के अंदर हम गाइज इस गाड़ी को बेस टॉप में करने वाले हैं कन्वर्ट. ये गाड़ी यानी स्विफ्ट 2019 मॉडल को बिल्कुल बेस टॉप में बनाने वाले हैं. एंड गाइज इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लगने वाली है. और गाइज अब ये बिल्कुल ही इसका बेसिकली बेस मॉडल है और इस गाड़ी को हम टॉप एंड में बिल्कुल कन्वर्ट करने वाले हैं. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. और ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल बेस मॉडल है गाड़ी का और नीचे इसमें मैं लगा दिया बेसिकली. यहाँ देख सकते हैं DRL वगैरह ये लग गए हैं प्रॉपर यहाँ से और प्रॉपर लग गए हैं. और आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको नहीं मिलते व्हील्स वगैरह, बस आपको मिलते हैं नॉर्मल रिम्स. और मैं गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ आपको, दिखाता हूँ के अंदर क्या क्या काम चल रहा है अभी. और ऑटो होल्ड मिरर भी लगाए गए हैं इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पर आप. सो गाइस ऑटो होल्ड मिरर भी लगाए इसके अंदर और सीट कवर्स भी लग रहे हैं इसके अंदर अभी. तो आप देख सकते हैं इसकी भी गई हुई है सीट्स बाहर और जैसी लगते हैं मैं उसके बाद एक बार आपको दिखाता हूँ कैसी लग रही है सीट्स. और नीचे का इसकी प्रॉपर लगाई लैमिनेशन भी लगी गई है देख सकते हैं आगे तक लगी गई है पूरी है. एंड आगे से प्रॉपर जाती है यहाँ पीछे तक ताकि नीचे इसमें कुछ भी अगर आपको नीचे गिरता है वगैरह तो कोई दिक्कत ना आए, आप उसे ईजी साफ कर सकते हैं बाद में. और अगर आपको लेके चलता हूँ पीछे वाले दरवाजे पर जहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि गाइस जो सबसे ज़्यादा छोटा वाला मॉडल है बेस मॉडल यानी उसके अंदर आपको पावर विंडो भी नहीं मिलती. सो गाइस इसके अंदर पावर विंडो लगी गई है आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको मैनुअल वाला मिलता है शीशा उसके जगह ये लगाया गया है. और पावर विंडो ऐसे आप देख सकते हैं कि वो अच्छे से काम कर रहा है प्रॉपर. सो गाइस ये गाड़ी को बेसिकली हम बेस से टॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये अच्छे से काम कर रहा है नीचे. सो बाकी गाइस इसके बाद आपको दूसरी साइड पे लेके चलता हूँ. सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे भी लगा दिया गया है पावर विंडो का स्विच एंड यू कैन सी इट इज़ एक्चुअली वर्किंग. सो पप्पी भाई क्या काम चल रहा है अभी? अभी चल रहा है भैया आपका साइड मिरर ऑटो फोल्ड वाले का चल रहा है. कर रहा है ऑटो फोल्ड? बिल्कुल कर रहा है. चेंज करें शीशे इसके दोनों आपने? चेंज कर रहे हैं. एडजस्ट हो रहा है मेरा आराम से गाइस. अब आप देख सकते हैं वहाँ पर लेफ्ट वाला. सो टोटल भैया कितनी देर काम होता है लगाना ऑटो फोल्ड? एक घंटे का. और किसी गाड़ी में हो जाता है काम ये? कोई सी भी गाड़ी ले. कोई भी गाड़ी ले आओ और आप आराम से हो जाएगा काम ये वाला ऑटो फोल्ड. बहुत बढ़िया. और क्या क्या काम किया यहाँ पे भैया आपने? इसमें स्पीकर वगैरह भी लगे? स्पीकर लगे हैं डीडी के. सुनाते हैं क्वालिटी भी उसकी एक बार जब काम सारा खत्म हो जाता है. और डैम्पिंग भी हुई है इसके अंदर? डैम्पिंग भी है सीटी की. सीटी की डैम्पिंग है. सो चारों डोर्स में हुई है डैम्पिंग. एक बार आपको डैम्पिंग भी दिखा देता हूँ. सो यहाँ गाइस इन्होंने पैक हो चुका है ये वाला पूरा और चारों डोर्स इन्होंने पैक कर दिए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं. सो आगे नहीं हुआ पैक. सो गाइस यू कैन सी दी डैम्पिंग शीट ओवर हियर. जफर सीट लेकर आओ, लगाओ अगली सीट लगाओ फटाफट. तो पप्पू भी एक चीज़ बताओ यार डैम्पिंग से क्या होता है, क्या फ़ायदा क्या डैम्पिंग का होता है? एक तो टायर की नॉइज वगैरह नहीं आती है. अच्छा. की आवाज में फर्क आ जाता है स्पीकरों में. मतलब काफी फर्क आ जाता है लगवाने का फायदा है ना? मतलब खड़कपन जो होती है वो खड़कपन नहीं होती इसमें. बहुत बढ़िया. सो भैया सबसे बढ़िया क्वालिटी की कौन सी आती है डैम्पिंग शीट? एक तो अपनी रॉकस्टार की भी आती है. अच्छा. और एक सिटी के की है. और एक सिटी के की है. छोड़ो ना रुक जा. सो गाइस LXi के अंदर जैसा आपको पता है सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं मिलती आपको इसके अंदर. सो गाइस वो भी लगाई गई है सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो और ऑटो फोल्ड मिरर
और अभी गाइस आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर सीट कवर लग के आ चुके हैं सीटों पर, एंड वो उसके अंदर वापसी कर रहे हैं फिट। फ्लोरिंग तो हुई है ऑब्वियसली, और सीट कवर का भी काम हो गया डन सारा इसका, और ये लगने आ गई सीटें वापसी। ये सबसे आगे वाली सीट है, मैं एक बार आपको बाकी सीटें भी ज़रूर दिखा देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं जो तारों का काम चल रहा है, ये भी ऑटो फोल्ड वगैरह सारा का था काम, और इन्होंने कर दिया पूरा काम ख़त्म। अब सारी वायरिंग वापस जा रही है, पैकिंग हो रही है अंदर, सब कुछ प्रॉपर टेपिंग लगाई जा रही है। तो एक बार ये भी होता है, मैं दिखाता हूँ फिर आपको ऑटो फोल्ड वगैरह सब कैसे काम कर रहा। ये पड़ी सारी आप देख सकते हैं पीछे वाली सीट स्विफ्ट की, और ये पीछे वाली सीट है ये वाली। तो ये गाइस ये लगी बेसिकली इसकी मेन सीट, ड्राइवर साइड वाली सीट है ये वाली, और इसमें सीट कवर लग गए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप नीचे से देख सकते हैं प्रॉपर लगाई गई स्टिचिंग वगैरह कितनी अच्छी लग रही है। और गाइस इसकी काफ़ी अच्छी फिनिश आई है इसकी सीट कवर की, थोड़ा गंदा है वो सभी साफ़ करना पड़ेगा इसको, बट ओवरऑल गाइस द सीट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। ओवरऑल इंटीरियर गाइस काफ़ी अच्छा हो जाएगा अंदर से। गाइस और बात करें तो आप नीचे देख सकते हैं इसके अंदर ये लगाया गया है स्कफ लिट, LED वाली है स्कफ लिट, और गाइस देख सकते हैं लाइट के साथ जलती है। और गाइस ओवरऑल इसकी फिनिश बहुत अच्छी आती है रात को, तो खासकर आपको पीछे दिखाता हूँ एक बारी। तो गाइस पीछे का साइज़ थोड़ा सा हमेशा होता है छोटा, क्योंकि पीछे थोड़ी सी जगह कम मिलती है। ठीक है, इस पीछे की स्कफ प्लेट और ये आगे की, सो आप देख सकते हैं गाइस ओवरऑल कितनी अच्छी लग रही है अंदर से गाड़ी। अब उस साइड लेके चलता हूँ आपको। इसको स्कफ प्लेट की फिनिश ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही है, और ये गाइस थोड़ा गाड़ी को एक अच्छा टच देती है। और गाइस इसके अंदर एक और खासियत ये बात है कि आपकी गाइस गाड़ी की वायर कट कुछ भी नहीं होने वाली इसके अंदर। सो आपको जो भी काम यहाँ पर होता है ऑटो फोल्ड से लेकर पावर विंडो पीछे लगने वाला, सो गाइस आपकी गाड़ी के अंदर कुछ भी यहाँ काम होता है सो उसके अंदर गाइस कोई भी वायर कटिंग इन्वॉल्व नहीं है, और उससे आपकी बिल्कुल भी वारंटी वॉइड नहीं होगी, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस। सो आगे आपको दिखाते हैं जो अभी आगे काम हो रहा था अभी इसके अंदर ऑटो लॉक वगैरह का सारा काम, वो गाइस ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब बस डैशबोर्ड को रह गया करना पैक सिर्फ। ठीक है, तो ऑटो फोल्ड भी काम कर रहा है आपके सामने। अब आपको लेके चलता हूँ अंदर, और जो मैं पहले कुछ दिखा रहा था कि इसका जो लगाया गया टच स्क्रीन, अब उसकी बात करते हैं जाके अंदर। तो आप देख सकते हैं लगाया गया टच स्क्रीन यहाँ पर। तो भाई जी आप देख सकते हैं यहाँ लगाई गई टच स्क्रीन, 8 इंच की टच स्क्रीन है, और अब देख सकते हैं गाइस कितनी बढ़िया फिट एंड फिनिश है। तो आप यहाँ देखेंगे कितनी बढ़िया लगाई गई है, बिल्कुल फिट एंड फिनिश इसका इज़ वेरी वेरी गुड, और पता नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी कि गाइस बाहर से लगाई गई है, ये ऐसा ही लग रहा है कि प्रॉपर कंपनी फिटेड है, OEM फिनिश टाइप है बिल्कुल। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, हाइपरसोनिक का है बेसिकली ये वाला, जो आपने मेरी गाइस पहले वाली वीडियोज़ में देखा होगा। एंड गाइस ये कंप्लीट एक एंड्रॉयड टैब की तरह काम करेगा, इसके अंदर आप यूट्यूब, गूगल मैप्स कुछ भी इसके अंदर आप कर सकते हैं यूज़। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बेसिकली वीडियो क्वालिटी, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, इसमें कुछ भी वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ आपको, जैसे बुझी वाली वीडियो। तो देख सकते हैं इस वीडियो क्वालिटी कितनी बढ़िया है इसकी, एंड आवाज़ थोड़ी कम कर रहे थे पहले इसकी, शार्प क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है साइड से देखने में भी, एंड बढ़िया लग रही है प्रॉपर। सो ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर का जैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में पहले से, और स्टेयरिंग कवर लगाए साथ साथ इसमें लग रहा है वो भी काम चल रहा है उसका अभी। तो ओवरऑल मैं गाड़ी की वजह बात करूँ, गाड़ी अब बेस टॉप कम्प्लीटली बन चुकी है, मैं आपको एक बार सारा काम दिखा देता हूँ एक बारी। सो आपको पूरा एक बारी काम का दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या करा गया, रन डाउन करता हूँ पूरा काम का। सबसे पहले गाड़ी के बाहर आए तो गाइस ऑटो फोल्ड लगाया गया, इसके अंदर मिरर्स लगे हैं ये आप देख सकते हैं, ऑटो फोल्ड मिरर लगाया गया है। अभी आपको दिखाता हूँ इसका कैसे काम करते हैं ये, और फिर अंदर गाड़ी अगर खोले
तो गाइस पावर विंडो लगाए गए हैं चारों तरफ लगे हैं जो इजीली काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर आपको। और गाइस ये लगाई गई हैं स्कफ प्लेट्स जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। एंड देन गाइस ये लगाए गए हैं सीट कवर्स ब्लैक कलर के, गाड़ी की लुक एनहांस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अंदर से, और कंफर्टेबल तो है ही ऑब्वियसली। और स्टिचिंग के साथ हैं, ये आप देख सकते हैं स्टिचिंग वाइट कलर की चल रही है पूरी तरफ। पीछे दिखा देता हूँ आपको एक बड़ी सीट कवर्स, तो सीट कवर्स आर लुकिंग एक्चुअली वेरी वेरी गुड। और आप नीचे देखेंगे सो गाइस नीचे प्रॉपर लैमिनेशन करी गई है। सो गाइस जो आपको नीचे मिलती है बेसिकली मैटिंग जो डायरेक्टली आपको लगाई जाती है कंपनी की तरफ से, वो गाइस ना ख़राब हो कभी भी। और इसमें दिखाया आपको अंदर इंटीरियर, अभी इसका लगाया जा रहा है स्टीयरिंग कवर, और गाइस ये लगाया गया टच स्क्रीन जो गाइस बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। बाकी पीछे चलते हैं, स्कफ प्लेट देख सकते हैं गाइस जहाँ पर आप, बहुत ही अच्छी लग रही है। और सीट कवर्स तो हैं ही, जो सबसे मेन चीज़ है जो पीछे लगाई गई है लाइट्स वो ये है गाइस, आप देख सकते हैं पिलर लाइट लग रही है इसके ऊपर। अभी जब ये लग जाती है, जब इसका काम चल हो जाता है पूरा, मैं आपको एक बारी करता हूँ शो। और पार्किंग सेंसर्स लगाए गए हैं पीछे, एंड एक गाइस ये कैमरा भी लगा है बीच में, पिलर लाइट यहाँ भी लगी ऑब्वियसली। और ऑफ कोर्स पावर विंडो चारों के आपको यहाँ मिल जाएंगे कंट्रोल्स, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन भी लगा, इसमें ऑटो डाउन नहीं है शायद, ऑटो अप है। और पीछे वाला देख सकते हैं ये मिरर, शीशा डाउन हो रहा है, आपको लेफ्ट वाला दिखाता हूँ। और तीसरा सारे स्विच गाइस काम करते हैं। तो गाइस पावर विंडो का स्विच तो ये वाले हो गए यहाँ पर, आप देख सकते हैं देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और ऐसा नहीं लग रहा है कि गाइस कुछ बाहर से लगाया गया है। और क्वालिटी भी गाइस ठीक ठाक है, जैसे आपको यहाँ की क्वालिटी मिलती है इस चीज़ की गाइस मान सकते हैं बेसिकली वैसी ही है क्वालिटी। और ऑटो फोल्ड मिरर का गाइस स्विच यहाँ लगाया गया है नीचे, मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दूँ सबसे पहले ताकि आप लोग आराम से देख पाए। वो ये स्विच है गाइस इसका, जैसे इसको दबाएंगे आप लॉक हो जाता है मिरर, और खोलने के लिए आपसे दोबारा स्विच को दबाएंगे तो वापस आपको खुल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से एक बारी, तो गाइस ऑटो फोल्ड मिरर आप देख सकते हैं काम कर रहे हैं करना। और सो ओपन एंड क्लोज गाइस होने हैं दोनों के दोनों अंदर से, सो ओवरऑल ऑटो फोल्ड प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है इसका। पिलर लाइट का गाइस काम हो चुका है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है गाड़ी पीछे से अब। और ये टेल लाइट के साथ करती है काम पिलर लाइट, इसका प्लास्टिक हटा देते हैं ताकि बेटर देख पाएँ लाइट को। ओवरऑल फिट एंड फिनिश गाइस आप देख सकते हैं गाड़ी की पीछे से बहुत बहुत ही अच्छी लग रही है। मैट्रिक्स एल इंडिकेटर है गाइस आप देख सकते हैं, बॉटम टू टॉप जाता है इसके अंदर इंडिकेटर। सो आप लोगों को ये कैसा लगा ये वाला इंडिकेटर के साथ पिलर लाइट, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइस इसमें सारा काम डन हो चुका है गाड़ी के अंदर, एंड एक फाइनल चीज़ रह गई है इसका बेसिकली ऑडियो आउटपुट करना चेक। सो भैया से पूछते हैं भैया इसमें कौन से लगे हैं स्पीकर चारों में? डीडी का भैया, डीडी के स्पीकर लगे हैं भैया इसमें। चलिए गाइस अब देखते हैं कि इसमें ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है उसकी। सो गाइस ये लगे जाएगी, ये सुपर ग्रिल लगेगी और गाड़ी की लुक टोटली हो जाएगी चेंज, मैं को दिखाता हूँ एक बार लगने के बाद। पीछे कैसे लगता है भैया, टेप है इसके ऊपर 3M? सो भैया इसके ऊपर लगेंगे बेसिकली 3M टेप है पीछे इसके, डबल साइडेड टेप। रॉबिन तेरे चक्कर में देख अगली जिम्मेदारी खराब हो रही है यार, फटाफट उसको टाइट करके गाड़ी नीचे करवा। इमरान दो चाइनीज पे उठा के लीजिए बेटा, दो चाइनीज पे।
ग्रिल की देख सकते हैं लुक काफ़ी अच्छी लग रही है, और गाड़ी की बेसिकली उन्होंने प्रॉपर आगे से लुक चेंज कर दिया, सिंपल सी लग रही थी पहले गाड़ी आगे से। सर गाड़ी की देख सकते हैं लुक ओवरऑल, डोर वाइजर से लेकर नीचे तक, साइड बीडिंग भी क्रोम वाली साइड बीडिंग लगाई गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें वैसे एक एयरलॉक व्हील्स लगने बचे हैं, एंड गाड़ी गाइस इज टोटली बेस टू टॉप डन, एंड मज़ा आ जाएगा गाड़ी को देखकर। सो आप देख सकते हैं ओवरऑल गाड़ी की फिनिश, पीछे लाइट के साथ साथ बहुत ही बढ़िया लग रही है। सारा काम डन हो चुका है गाड़ी का स्विफ्ट का। अब गाइस बेसिकली जिनकी गाड़ी है एक बार ज़रूर उनसे बात कर लेते हैं, इनको काम कैसा लगा यहाँ पर। सो भैया आपको काम ओवरऑल कैसा लगा? मुझे अच्छा काम लगा यहाँ पे। सो आपने काम क्या क्या यहाँ पे हुआ है काम गाड़ी में? मेरी गाड़ी में पावर, चारों पावर विंडो मैंने कराई हैं, म्यूजिक सिस्टम लगवाया है, रियर कैमरा लगवाया है। मोस्टली आपने गाड़ी अपने बेस टॉप में गाड़ी कन्वर्ट कर दिया, एक्सआई में होता है वही सारे मैंने सब कुछ लग गया है गाड़ी के अंदर। सो आपको ये कौन सा मॉडल है? एलएक्सआई। ये एलएक्सआई। और कब लिया आपने यहाँ से? मैंने दिवाली पे लिया। दिवाली पे ली तो चलिएगा आपको पूरा इसका मतलब यहाँ पर आकर आपको काफी हो रहा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल। अगर आप और लोगों को भी करेंगे रिकमेंड यहाँ पे आना ना? हाँ बिल्कुल करेंगे, भैया का बिहेवियर बहुत अच्छा है बात करने में और बाकी काम वगैरह मुझसे अच्छा है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हमने बेस 2019 स्विफ्ट के मॉडल को बिल्कुल टॉप एंड मिरर में कन्वर्ट करके दिखाया आप लोगों को, और बहुत ही सारी इसमें लगाई गई थी एक्सेसरीज। सो गाइस अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी में करवाना चाहते हैं, कुछ भी लगवाना चाहते हैं, सो गाइस यू हैव टू कम एट ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम करोल बाग दिल्ली में, और वहाँ आपको मिलेंगे बेसिकली कवल भैया, एंड आप उनसे बात करेंगे आकर, और वहाँ आप टेक्टिव का नाम लें और आपको डेफिनेटली मिलेगा डिस्काउंट। और गाइस अगर बात करें इसमें जितना भी काम हुआ है गाड़ी के अंदर उसमें कितना टोटल हुआ था खर्चा, सो गाइस सारा खर्चा नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज़ वहां से कर लेना चेक। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।